जब लास्ट टाइम ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो चेन्नई का घर था और जीती थी राजस्थान, लेकिन इस बार घर राजस्थान का है और जीतेगा कौन ये बड़ा सवाल है। फैंटेसी के नजरिए से देखें तो तीन विकेटकीपर या तीन ऑलराउंडर के बीच में जंग है, किसको लिया जाए या किसको ड्रॉप किया जाए। संजू सैमसन या मोइन अली, किसका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहेगा जो टीम सिलेक्शन का आपका पार्ट बनेगा, और ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप टीम बनाने जाएंगे। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जयपुर की पिच का जो पिछले मैच में मिजाज था वो थोड़ा अलग ही था, तो क्या फिर से अलग मिजाज वाली टीम बनेगी या कुछ ढंग के मिजाज में आ जाएगी, कई सारी बातें हैं वीडियो में करेंगे। प्यार देते रहना हमेशा की तरह, इस आईपीएल में मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा प्यार कम मिला है, और कल वीडियो नहीं आया उसके लिए अभी से बोल दे रहा हूँ सॉरी, क्योंकि कल थोड़ा सा मैं आई वॉज वेरी वेरी टायर्ड, ट्रेवल करके आया था तो हिम्मत हुई नहीं मेरी वीडियो शूट करने की। खैर इस मैच पे आ जाते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि ये मैच है जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में। अभी तक राजस्थान ने तीन होम गेम खेले जिसमें से एक जयपुर में खेला है, और पिच कैसी थी सब कह रहे थे पेस पिच है, सब कह रहे थे रन बनेंगे, और मैं कह रहा हूं भाई सब पिच रिपोर्ट को आप भरोसा मत करना, किसी भी चीज पर भरोसा कर लो आज की डेट में, अपनी एक्स पर भरोसा कर लेना लेकिन पिच रिपोर्ट पर भरोसा मत करना, ये देख लो क्योंकि जो आपको बताया जा रहा वो होगा नहीं। पिच पे बताया जा रहा था वेल्टर है, रन बनेंगे रन बनेंगे रन बनेंगे, हुआ क्या हुआ, ये था कि पिच पे रन बनाना ही बहुत मुश्किल था, बेहद मुश्किल जिसे कहते हैं, क्योंकि ओपनिंग्स के लिए फिर भी ठीक था, और अगर आप देखेंगे स्कोर कार्ड उठा के उस मैच का राजस्थान का तो आपको पता लगेगा कि जो ओपनर्स थे उन्होंने थोड़े थोड़े रन बनाए, और उसके बाद जो बैटर थे लखनऊ के थे या केएल राहुल ने आपने देखो कितने एक स्लो इनिंग खेली, या इधर भी था, तो ओपनर्स के बाद जो पीछे की बैटिंग थी उससे रन ही नहीं बने, और बताया जा रहा था कि ये क्या है बेल्टर है, अरे रोड है रोड, रोड पर रन बनेंगे, रोड था क्या वो, रोड में गड्ढे थे ये तो बताया नहीं। खैर यहां मुझे कुछ अलग होता दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि राजस्थान ने कुछ इसी तरीके की पिचेस बनाई है, और वो इसलिए भी बनाई है क्योंकि राजस्थान तीनों डिपार्टमेंट में स्ट्रांग है, उनके पास दो अच्छे स्पिनर हैं, उनके पास तीन अच्छे पेसर हैं, बैटिंग ऑर्डर में उनके पास तीन चार अच्छे प्लेयर हैं, तो वो सारे बेस कवर करके चल रहे हैं। ओपोजिशन जो भी आ रही है ऐसी बहुत कमी टीम है जो इतनी बैलेंस लग रही है, बेंच में भले ही राजस्थान के कुछ ना हो, भले ही वो रियान पराग का रिप्लेसमेंट ढूंढने को तरस रहे हों, लेकिन 11 उनका बहुत बढ़िया बन जाता है, ये अच्छी बात है। 11 से बात आई प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, और राजस्थान के की बात कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सेटल्ड एक यूनिट जा रही है कि भाई बटलर है, जायसवाल है, पदिक्कल है, सैमसन है, फिर नीचे आपका रियान पराग को ढो रहे थे अब तक, अब उनको बिठा दिया है, अब्दुल बासित आए हैं पिछले मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे, सिमरन हेटमेयर को प्रमोशन मिला है, और ध्रुव जुरेल को प्लेइंग 11 में स्टार्टिंग 11 में जगह मिल रही है, अब तक इंपैक्ट के तौर पे खेल रहे थे। फिर उसके साथ क्या है कि जो बाकी बॉलर्स हैं पांच, वो पांच के साथ खेल रहे हैं, अश्विन इनका ऑलराउंडर वाला रोल प्ले कर रहे हैं, पिछला जो चेन्नई से मैच हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच भी अश्विन ही थे, होल्डर के साथ सेम सीन है, फिर संदीप शर्मा बहुत अच्छा काम कर दे रहे हैं, और आपका बोल्ट, इवन संदीप शर्मा ने ये काम कर दिया कि बोल्ट के ओवर डेथ तक जा ही नहीं रहे, बोल्ट से पहले पिछले दो मैचेस में 16-17 ओवर तक गेंदबाजी खत्म करा दी जा रही है, और संदीप शर्मा और जेसन होल्डर डेथ बॉलर की भूमिका निभा रहे हैं, एक मैच में तीन स्पिनर लेकर खेले थे तो वहां जयपा ने डेथ बॉलिंग की थी संदीप शर्मा के साथ, तो ये कहानी है जयपुर के प्लेइंग 11 की, कही राजस्थान के प्लेइंग 11 की। अच्छा दूसरी तरफ सीएसके का प्लेइंग 11, सीएसके को पता है अच्छे से कि मेरे 11 प्लेयर क्या है, धोनी का स्टेटमेंट भी था कि भाई जितने प्लेयर कम हो उतना हेडक कम, मतलब उनको पता है कि मुझे मेरे 11 प्लेयर मिल गए, अब बेंच पर कुछ बचे ना बचे भीड़ बढ़ाने से भी फायदा क्या है, जो इंजर्ड हो गया छोड़ो, 11 प्लेयर मेरे पास है, और है भी कैसे, पिछला मैच अगर आप देखोगे तो 235 बना दिए थे, आंजिक रहाणे एक नए अवतार में आ रहा हूं, उसके दम पे डब्ल्यूबीसी के फाइनल में उनकी जगह बन गई है वर्ल्ड टीम में, मतलब T20 का प्रदर्शन, IPL का प्रदर्शन टेस्ट में टीम में ले आया उनको, और सब कह रहे थे जाओ काउंटी खेलो, काउंटी खेलते टीम में आते ना आते, लेकिन यहां आ गए, दो पारियां अच्छी और टेस्ट टीम में वापसी, वरना बिल्कुल आउट ऑफ स्कीम लग रहे थे, तो कहानी वही चल रही है, डेवन कॉन वो अच्छी फॉर्म में, फिर ऋतुराज भी थोड़े धीमे पड़े लेकिन फिर भी 30-35 कर रहे हैं, आंजिक रहाणे अल्टीमेट, शिवम दुबे और सीजन्स के मुकाबले बेटर करके दे रहे हैं इस बार, फिर अंबाती रायडू को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लाते हैं, और वो बड़ी पारी नहीं आई है लेकिन 20-25 वो कर जाते हैं, धोनी जडेजा 10-10 बॉल के प्लेयर भी नहीं है इस सीजन, इस बार अगर देखा जाए तो कोई रेयर मैच ऐसा होगा जिसमें 10-10 गेंदें उनको मिली भी हो, धोनी को तो 5 बॉल से भी ज्यादा नहीं मिल रही है, तो ऑल इन ऑल जितना मिल रहा है उतना वो बढ़िया करके दे रहे हैं, और उनका भी मामला सॉर्टेड लग रहा है, दो श्रीलंकन प्लेयर तीक्षाना और पथिराना, और तीन इंडियन प्लेयर, उसमें
आकाश सिंह को लाते हैं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे और पावर प्ले में विकेट लेते हैं हर बार। फिर उसके बाद आपका तुषार देशपांडे डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट इनके बन गए, वो डिवेन ब्रावो वाला रोल इनको मिल गया है। उसके बाद फिर बचा कौन, पांचवा बॉलर तो जडेजा है, मोइन है, तो मतलब सब चीजें सॉर्टेड है, बिल्कुल कोई समस्या बिल्कुल दिखाई दे नहीं रही है। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे अगर मैं आ जाऊं, मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पे इस मैच के लिहाज से, तो देखो मैं पिछले मैच की तस्वीर को थोड़ा दिमाग में रखते हुए प्लेयर्स बता रहा हूं, जिससे आपको ये समझ में आए कि टॉप ऑर्डर और बॉलर्स इनके लिए मौका है, या फिर जिस प्लेयर की स्किल सेट के हिसाब से ऑपोजिशन का मामला बन रहा है उससे मैंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स निकाले, ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि टॉप पे बैटिंग करेंगे, फिर बैटिंग अगर कठिन हुई तो दिक्कत हो जाएगी। सीएम डेवोन कॉनवे का, फिर उसके बाद आजिंक्य रहाणे, तो टॉप थ्री हो गया सीएसके का। और राजस्थान से बात करूं मैं, तो राजस्थान से जॉस बटलर, संजू सैमसन और रवि अश्विन। इवन संजू का भी मैं 50-50 बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि संजू सैमसन की जगह आप इसमें यशस्वी जायसवाल को इंक्लूड कर सकते हो, आप मोइन अली को इंक्लूड कर सकते हो, या आप उधर जाके युजवेंद्र चहल की तरफ देख सकते हो, क्योंकि संजू अगर अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में नीचे लेके आ रहा है तो फिर वो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं रहेंगे। और कारण इसलिए नहीं कि गेंदें कम मिलेंगी, इसलिए कि जितना पीछे बैटिंग करोगे उतना बैटिंग करना टफ हो जाएगा, तो संजू के लिए समस्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आपका ग्रैंड लीग प्लेयर्स पे, कौन से प्लेयर हैं जो ग्रैंड लीग में आपके यहाँ काम आ सकते हैं। देखिए जडेजा का कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए, और जिस तरीके की दोनों टीमों में प्लेयर्स बन रहे हैं, जडेजा का कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रेशियो थोड़ा पीछे ही है। फिर मोइन अली टॉप फाइव में जो राजस्थान का है उसमें तीन लेफ्ट हैंडर, देवदत्त पडिक्कल है, जायसवाल है और हेटवेयर है, तो उसके लिहाज से एक एक्सटेंडेड स्पेल आप मोइन अली से देख सकते हो सकता है दो तीन ओवर का आपको देखने को मिल जाए। हालांकि पिछला मैच जो सीएसके और उसका हुआ था उसमें बटलर को आउट किया था उन्होंने, इफ आई एम करेक्ट, तो वो एक अलग बात है। तो मोइन अली का यहाँ पे गेम कवर आपको इंक्रीज होता दिख सकता है। फिर देवदत्त पडिक्कल, आरसीबी के खिलाफ मैंने प्रेडिक्शन में बोल दिया था चलेगा बंदा, चल गया, और यहां से फॉर्म थोड़ी वापस आ रही है, धीरे धीरे 30-30 के स्कोर आने लगे, पिछले मैच में 50 आए, तो पडिक्कल यहां से हम इस टीम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बने रहेंगे। फिर उसके बाद है संदीप शर्मा, हम बोल्ट की बात करते हैं, हम तुषार देशपांडे की बात करते हैं, तीक्षणा की बात करते हैं, संदीप के बारे में लोग कम बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि संदीप शर्मा और मोहित शर्मा दोनों शर्मा क्या है, हर मैच में दो दो विकेट चुपचाप निकाल ले जाते हैं बिना शोर शराबे के, तो ग्रैंड लीग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर ये भी है। और शिवम दुबे, शिवम दुबे ने दो तो 50+ की पारियां खेली है, 30+ की भी एक आध पारी खेली है, और ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा बेटर देन एवरेज ही परफॉर्म उन्होंने किया है, तो आपकी ग्रैंड लीग टीम में शिवम दुबे की जगह बन जाती है। फिर आ जाते हैं आगे हम फैंटेसी टीम पे, तो फैंटेसी आपको सबसे पहले बात यह कि ट्राई करना है, तो फैंटेसी आपको ट्राई करना दोस्त विजन 11 है पर, क्योंकि मैं वही खेलता हूं, मेरे खेलने का मतलब यह है कि मैं वही खेलता हूं। मैंने ये वो क्यों बोला, क्यों इसलिए बोला क्योंकि यार विनिंग अच्छी है वहां पे, ऐप का जो परसेंटेज कमीशन है वो कम है, फ्री गिव अवेज है, मल्टी स्पोर्ट ऐप है, फैंटेसी के एक मैच में कई सेगमेंट है, जैसे बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम, रिवर्स फैंटेसी, ऐसे कई सारी चीजें जिनको आप यूज करके खेल सकते हो, अपने स्किल का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और अगर मान लो लॉस हो रहा है आपको लग रहा है मेन मैच में, तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड इनिंग में रिकवर कर सकते हो, एक सेशन में रिकवर कर सकते हो, तो आपके पास लॉस रिकवर के जो बेस्ट ऑप्शन है वो विजन 11 ने आपको दे रखे हैं, कि बस जीत के जाइएगा, हारो मत, है ना। लिंक आपकी सुविधा के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा, पिन किया हुआ, क्लिक करके जुड़ जाना। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्लेयर्स की। तो देखिए फैंटेसी टीम में सबसे पहले हमारे कॉमन प्लेयर्स, वैसे तो मैं बता दूं इस मैच की ना टेम्पलेट टीम बनी हुई है, 7-8 प्लेयर बिल्कुल आपके सेल्फ डिक्लेयर्ड है कि ये तो आपको लेनी है, कहानी जो बनेगी वो एक दो प्लेयर पे ही बन रही है और कैप्टन वाइस कैप्टन पे बनेगी। हार या जीत का जो आपका मार्जिन है वो बहुत कम रहने वाला है इस मैच में, और कारण थोड़ा साफ है कि जब 7-8 प्लेयर अपने आप पिक हो रहे हो तो वेरिएशन की गुंजाइश कम बचती है, 2-3 प्लेयर ही है जिनपे वेरिएशन ले रहा है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस पे है पूरा खेल। तो देखिए बटलर कॉनवे सबकी टीम, फिर रहाणे गायकवाड़ को सब ले रहे हैं, फिर रविंद्र जडेजा अश्विन को सब ले रहे हैं, स्पिन ट्विंस इंडिया का चहल और बोल्ट को सब ले रहे हैं, तो बचा कौन, तीन प्लेयर बचे बस जिनपे आपको डिसाइड करना है कि आपके कौन होने वाले हैं और फिर कैप्टन वाइस कैप्टन। इसके बाद भी अगर इनमें से कोई प्लेयर नहीं खेलता है या कोई हालात चेंज होते हैं जिसके हिसाब से मुझे चेंज करना पड़े, तो उसका अपडेट मैं टेलीग्राम पर देता हूं, तो इसलिए आपको टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको मेरी तरफ से पूरा पैकेज मिल जाए। टेलीग्राम पे जुड़िए, पैकेज से मतलब ये नहीं प्राइम टीम वगैरह, फ्री टीम, ठीक है, तो वहां जुड़िए, अपडेटेड टीम वहां पे देता हूं मैं टेलीग्राम पे, जो अपडेटेड टीम नहीं देता हूं एक्चुअली, अपडेट्स बताता हूं वीडियो में, टीम देता हूं और जो चेंजेस होते हैं वो टेलीग्राम पर बताता हूं, ठीक है। तो ऐसे करके फंडा है, क्लिक करिएगा और
जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर क्लिक करिएगा, वो मैंने जहाँ पे विजन इलेवन का लिंक है वहीं पिन किया हुआ है, और कमेंट बॉक्स में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी क्लिक करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, फिर चलते हैं फैंटेसी टीम पे, मतलब फुल टीम पे। फुल टीम देखिए, कॉनवे और बटलर दो ही हमारे विकेट कीपर रहेंगे, और दोनों के कैप्टन वाइस कैप्टन बना दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं बोल रहा हूँ रन सिर्फ टॉप ऑर्डर से आने की संभावना है। तो डेवोन कॉनवे आपके कैप्टन और बटलर वाइस कैप्टन, बटलर वर्सेस इंडियन फास्ट बॉलर। पिछले दो मैच में ये खेल हो रहा है, समी ने बोल्ड मारा, सिराज ने बोल्ड मारा, दोनों डिलीवरी लगभग सेम थी कि अंदर लाइए बॉल, और ये हमें एनरिक नौरखिया ने सिखाया था बटलर को आप कैसे आउट कर सकते हैं कि सीधे जाइए और बोल्ड मार दीजिए, है ना। अब सीएसके में कौन ऐसा प्लेयर जो ऐसा कर सकता है? आकाश सिंह है, वो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर नहीं है, तो वहां पे फिर तुषार देशपांडे क्या वो कर सकते हैं, या कुछ और धोनी सोच रहे हैं, उस बारे में चर्चा होगी टॉस के बाद जब फाइनल अपडेट आएगा। तो खैर, मेरे हिसाब से बटलर से एक अच्छी इनिंग यहाँ पे आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। स्ट्राइक रेट बहुत बेटर नहीं रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 50+ बटलर यहाँ कर जाएंगे। कंपेरेटिवली डेवोन कॉनवे का स्ट्राइक रेट थोड़ा बेटर रहना चाहिए, तो इसलिए कैप्टन और वो वाइस कैप्टन। तीन बैटर्स गायकवाड़ रहाने आपके थे, तीसरा बैटर कौन, हेटमेयर या जायसवाल? देखिए, स्किल वाइज मैं कहूंगा जायसवाल से अभी भी हेटमेयर बेटर है, लेकिन बात क्या है कि यार जायसवाल टॉप पे बैटिंग करेगा, पिच वहां टूटेगी नहीं, समस्या ज्यादा आएंगी नहीं। अगर रन बनाना मुश्किल हुआ तो हेटमेयर जहां आएंगे वहां बल्ले में बॉल नहीं आएगी, इट मीन्स कि हेटमेयर के साथ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जायसवाल को लेकर जा रहा हूं। तीन ऑलराउंडर अश्विन और जडेजा जो थे, मेरे पास जो एक मेरा सरदर्द था वो यही था कि मोइन अली या संजू सैमसन में किसको लूं। अब मैं मोइन अली की तरफ कन्विंस इसलिए ज्यादा हो गया कि एक तो मुझे इनसे बॉलिंग की उम्मीद है, क्योंकि तीन लेफ्ट हैंडर्स मैंने बताया राजस्थान के टॉप फाइव में है, प्लस बल्ले से भी 5 नंबर पे खेल रहे हैं, उधर संजू सैमसन 4 नंबर पे खेल रहे हैं, तो 4-5 में बहुत अंतर तो है नहीं, जहां पे विकेट भी गिरने की संभावना, पिछला मैच जो हुआ था उसमें 13 विकेट गिरे थे। तो ऐसे में मोइन अली मुझे ज्यादा बेटर पिक लगे संजू सैमसन के कंपेरिजन में, इसलिए मैं मोइन के साथ चला गया। बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट और चहल आपके थे, तुषार देशपांडे को मैंने और फिट कर दिया, इस तरीके से बन गया आपकी फैंटेसी टीम। फिर बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करना इस वाले मैच में, क्योंकि यहां पे थोड़ा रिस्क फैक्टर है ना। कॉमन टीम, सेम टीम, एक चेंज दो चेंज, मतलब बहुत माइनर आपका हार का मार्जिन रहेगा, माइनर ही आपका जीत का मार्जिन रहेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए, इसको कैलकुलेट करते हुए इन्वेस्ट करें। हमारी और आपकी मुलाकात हर दिन होती रहेगी आज की तरह, फिलहाल इजाजत दीजिए। कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसके अलावा सोशल मीडिया पर भी हमें प्यार दें। मिलते रहेंगे, फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय माता।